हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। शाम के 4 बज गए हैं, सुबह शाम एक जैसा हो रहा है और बच्चों ने जो है फिर से किचन में दावा बोल दिया है और खुद ही बनाकर खा रहे हैं। अब इन लोगों से बनाना भी आ गया। आज मैगी बन रही है, थोड़ी सी बची हुई थी ना एक पैकेट में, उस दिन मैंने बचा ली थी, ज्यादा नहीं बनाई थी, तो आज इन्होंने खुद बनाया है। ये देखिए, आज ये नए नए हलवाई यहाँ पर लगे हुए हैं। एंजल है, गुड्डू है, चिंकी है। गुड्डू नहीं है इनके साथ में, चिंकी एंजल है। और मैं इनसे बोल रही हूँ किचन में कोई भी सामान मत फैलाना और किचन गंदा मत करना, क्योंकि 3:30 बजे तक ही मिट्टी का चूल्हा बंद किया था हमने, वहाँ की साफ सफाई की थी। और ये गर्म पानी लेकर जा रही है, शायद कोई ऊपर है, अभी देखते हैं। ये बाइक किसकी है? कौन आ रहा बेटा? मौसा जी आ रहे। कौन से वाले? कन्नू के मौसा जी। कन्नू के पापा यानी की है ना। ठीक है, अभी चलते हैं ऊपर। और आज हमारे जीजा जी आए हुए हैं, जीजा जी मतलब बहन के हस्बैंड। ठीक है जी, चलो मिलकर आते हैं। अभी हम नहीं मिले हैं और आपको भी मिलवाते हैं। मुझे आरुषि ने बताया है, बाइक मैंने अभी देखी थी और मैं भी आज थोड़ा हाल लेटी हुई थी। अपने घर का हाल दिखाते हैं रियल। हर एक कमरे में रिजाई पड़ी है। इधर हम लेटे हुए थे इस वाली रिजाई में। कई बार मैंने आरुष को सुलाने की कोशिश की लेकिन वो सोया नहीं। और इधर भी लेटे हुए हैं दो बंदे, प्रीति और माँ, एक रिजाई में लेटे हुए हैं। इधर भी रिजाई पड़ी हुई है। इधर पिताजी लेटे हुए थे, पिताजी ने रिजाई छोड़ दी है क्योंकि शाम के टाइम फिर जल्दी से ही सोने का टाइम हो जाएगा। चलो जी, नमकीन बिस्किट बच्चों ने ख़त्म कर दिए हैं, पप्पे रखे हैं, बस पप्पे मेहमान को दे नहीं सकते, इसलिए हम सोच रहे हैं। ठंडा मौसम है अच्छा खासा और पकौड़ी बनाने का टाइम नहीं है अभी मेरे पास में, क्योंकि अगर पकौड़ी बनाने में लग गई तो बैठेगा कौन उनके पास में, वे तो बैठे ही हैं, थोड़ी ही बात हम भी कर लेंगे। तो समोसे मंगा लेते हैं, चाचा जी को देकर आते हैं पैसे, और 10 समोसे हो जाए एक एक सबका, इन सबका भी, क्योंकि इनका भी तो जी कर रहा है कभी कदा खाने को। ये रहे पैसे और चाचा जी को देकर आते हैं, बोल के आते हैं इनसे ये लेकर आएंगे, क्योंकि गुड्डू के पापा तो वहाँ पर बैठे हैं और कृष्णा ने आवाज़ लगानी शुरू कर दी दूध काटने के नाम की। समोसे लिया 10, परे तो ही मिलेंगे शायद है। समोसे मिलते हैं गांव के परली साइड से, गर्मा गर्म जो बिल्कुल ताजे हैं, एकदम फ्रेश वाले, तो वहीं से लेकर आएंगे। और ये खा रहे हैं बच्चे पॉपकॉर्न। किसने दिए पॉपकॉर्न? मौसा जी ने दिए। ये देखो पूरा पैकेट पॉपकॉर्न का है, लाओ देखो मैं भी खा लूँ। तो जी आ गए हैं ऊपर, चलो जी मिलवाते हैं आपको भी और हम भी मिल लेते हैं। राम राम जी। राम राम जी। ये रहे जी संजय जी। और थोड़ी सी खराबी चल रही थी लैपटॉप में, कई दिन से बताया भी था आपको। बहुत खराबी चल रही थी, चल नहीं रहा था बिल्कुल। काम चल नहीं रहा था। एक को सोना पड़ा था और एक को काम करना पड़ा था, नहीं हो रहा था काम, दोनों का एक साथ नहीं हो रहा था। तो अभी हमारा लैपटॉप एकदम फिट हो जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा, अभी ये भी सीख लेगा ना, थोड़ा थोड़ा सा वो आ गया ना साथ में, इसको सिखा देंगे। आपको पता अभी से ले कन्नू तो पूरा परफेक्ट है खोलने में, इसे लेकर लूट रही थी ना, अब तक तो वो पेचकस मेरे हाथ से ले लेता अगर उसके खोल लेता। अच्छा, ये काम तो मेरा है। क्या कह रहा था जब लेकर लेट रहे थे इसे, जब इनका फोन आया? हाँ ये कह रहा था चुपचाप लेट जाओ मुझे सोने दे रहे। नहीं और भी तो कुछ कह रहा था, कहता था मेरा दिमाग खराब करके रखा। हाँ मतलब, और फिर ये कह रहा 5 मिनट बाद ही सो सो के थक गया मैं। खराब खो जागे यही है क्या वो पंखा फैन? ये है लैपटॉप का फैन जिसमें कुछ कई दिन से खराब भी है। आरुष नहीं बेटा, मम्मी ये तो पेचकस है। हाँ पेचकस है, ये छोटे छोटे से गिर जाएगा, ये नीचे गिर तो सारे खिंड जाएंगे, ये इसे लूटने पड़ेंगे। तो गाइस इन्हें करने देते हैं इनका काम और हम चलते हैं नीचे। चाचा जी समोसे लेकर गर्म गर्म आ गए हैं और मुझे बनानी है चाय, मैं भी वहीं पर बैठ कर बात कर रही थी। चलो जी नीचे चलो बच्चों पार्टी, और सारे बच्चे मेरे साथ ही आ गए थे। और मैगी कैसी बनाई थी तुमने? आपने अभी तो खाई। इतनी चटपटी थी, जरा सी तोड़ से दे दिए थे मैं मुँह में, बहुत चटपटी थी, इतनी मिर्च कौन खावेगा, पेट में भी आग हो जाएगी। चलो जी
ओ मेरे बच्चे, तूने चाय की तैयारी भी कर दी इतने में। समोसे भी आ गए। समोसे भी आ गए, ये देखो करिश्मा हो गया बिना कहे ही चाय। और साफ सफाई भी। ओ और ओ हो, किचन भी साफ हो गई एकदम से। किचन साफ इसने किया है। और बर्तन भी साफ कर दिए हैं इसने। बर्तन साफ कर दिए जो झुट्टे घर थे। हाँ जी हाँ। आधे रह रहे अभी। आधे रह रहे, बड़े बड़े छोड़ दिए होंगे। कोई बात नहीं, ठीक है। क्या कह रहा चला था टीवी, चला ये चिंकी तू चला का, इस पे नहीं चलाना चला। स्पेशल कड़क चाय इसके मौसा जी के लिए, ये खुद अपने हाथों से बनाती है जब भी वो आते हैं, और ये बीड़ा उठा लेती है कि चाय तो मैं ही बनाऊंगी। खुशी है इस चीज की कि लड़कियां जल्दी समझदार हो जाती है। वो समझती है मम्मी ऊपर बैठी बात कर रही है, तो हमें ये सब कर लेना चाहिए। समोसे एकदम गर्मा गर्म है और दो लिफाफे में डाल रखे हैं। ये देखिए चटनी हरी है और लाल है, और इधर चाय भी तैयार है। अब लेकर चलेंगे छत पर। कटोरी रख लिया है, इसमें ये हरी चटनी, लाल चटनी, खट्टी मीठी, समोसे 3 कप, और ये रही हमारी केतली जिसमें रख ली है चाय, गर्म रहेगी। और कप में थोड़ी सी आती है, और समोसों के साथ चाहिए होती है थोड़ी सी ज़्यादा चाय, और सर्दी का मौसम है, चाय तो कितनी पी ले उतनी कम है। चलो जी चलते हैं ऊपर चाय लेकर। तो जी आज हमारा ये लैपटॉप महाराज ये ठीक हो गया। इसका पंखा गड़बड़ कर रहा था, इसका कूलिंग फैन, और संजय देख लो पंखा लेके भी आया, कितना सपोर्ट कर रहे घर पे। और इधर आज इन्हें काम था अपने बैंक का, तो आज डाल दे गए तो आज अगर स्पेशल इसीलिए आता तो फिर तो बोलते नहीं, नहीं, फिर भी सपोर्ट तो है ही है। और ये जो है देखो कितने मतलब फ्री के हाथ लग रहे हैं इंजीनियर। अभी मैं एक इंजीनियर और तैयार करने लग रहा है कन्नू को। अच्छा। पंखे का वो एक्सपर्ट है पंखे डालने का। अच्छा। वो बताता है कि पंखा खराब है या खराब है, उसने पहले बोलता था कि पापा पंखा लेके जा रहे हैं पंखा खराब हो रहा है। अच्छा पर... तो सब पता रहे, वो बड़े वाला है मिस्त्री। जैसे आप उसको कहता है बड़े वाले, वो छोटे वाले मिस्त्री। तो जी लैपटॉप हो गया है ओके, आज से ये मुझे कोई उलाना नहीं देगी, नहीं तो ये कहती रहती है आप खाली बैठो मुझे सिस्टम पे बिठा दो काम करवाते रहो, और अपने आप पता नहीं क्या करते रहे। आज मैं भी इसे जो है रख के काम पर लग जाऊंगा इसके साथ, तो थोड़ी हिमाकत सी कम हो गया। और बात ये भी तो है दो जने बैठ कर काम करते रहे तो और जी सा लग रहा है। जी से लग रहा थोड़ा जल्दी भी हो जा। जल्दी भी हो जा। तो अब तो इंतजार के बाद ये तो हो गया ठीक। अब आरुष यहाँ पे है नहीं, वो ये कह रहा आप जाओगे क्या अभी मुझसे जी। और जब कोई मेहमान गेस्ट घर में आता है ना तब तो वो छुप जा देख के, और जैसे ही कोई चलने का नाम लेता है तब कहता है आप जा रहे हो, आप घर जाओगे, आप क्यों जा रहे हो, आप यहीं रहो। और ये सारा शोर शराबा ना हमारे बच्चों का यार, पूरी टीम बना कर लग पड़े हुए अब खेल रहे बस। अपने घर तो रोज गाओ, कभी हमारे घर भी खा लिया करो। अब मैं कहूंगा वो भी आप ही का घर है। हाँ जी ये तो है, खैर वहाँ भी आप ही की बहन बनाती है। ठीक है क्या हो गया माँ, देख पूछ लो इसका क्या कर आई, क्या क्या कर दिया यो, किसने क्या करा इन्होंने, क्या करा इन्होंने आज। अच्छा गरद के तेल में गंगा जल की लगी इनके, और वो बढ़ गया। और उसी का नाम ले रही है तो। हाँ इसका भी ले होगी उसका भी ले होगी जी, यहीं बढ़ रहे थे वहाँ। दर्द के तेल में इन्होंने वो ला दिया गंगा जल, क्या कर दिया बहुत खतरनाक चीज बना दी। अच्छा जी पूरे घर में खुशबू फैला दी दर्द के तेल की है, सबके दर्द ठीक हो जाएंगे खुशबू खुशबू में ही है। अब क्या कर रही तू, अब क्या करेगी आरुषि, अब क्या करेगी तू ए आरुषि। अरे ये नू भी लिख क्या जैसे हम लिख रहे मैडम, टमाटर भी लिखे, बटरफ्लाई भी लिखे, तितली बटरफ्लाई को बटरफ्लाई भी होती है, बटरफ्लाई बटरफ्लाई बटर 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 बे बे बटरफ्लाई बटरफ्लाई देख ले बटरफ्लाई बता रही बार बार।
और अभी बजे है शाम के 4:30 चाय का टाइम और आज सुबह से ही बारिश हो रही है, थोड़ी सी रुकी थी 1 घंटे के लिए, फिर चालू होगी। और अभी चाय बनी थी, चाय सबने पी लिया है घर में, माँ अभी भी पी रही है और आरुषि कहाँ है, आरुषि ने भी पी ली, पी के चले गए और वो अंदर खेल रहे हैं। आरुषि अपने पापा के पास खेल रही और चाची जी भी अभी चाय पी रही है और नंदू तो बस लगी रहा है अपने काम में। आरुष है इधर, कहाँ गया आरुष, इधर भी नहीं है, उधर देखता है कमरे में, पापा के पास था शायद नंदू। और आरुष इधर बड़े पापा के पास मूंगफली खा रहा है, आरुष मूंगफली खा रहा, अच्छा, और ये खा रहा अभी मूंगफली बड़े पापा के साथ। और नंदिनी से भी मिलवाते हैं, नंदिनी कहाँ है नंदू, और नंदू तो बस अपने काम में लगी रहा, क्या कर रहा क्या कर रहा, शुशु तो चुप रहो, क्या कर रहा, खड़ा हो, हेलो बोला सुस्कार भी नहीं, हेलो बोल दो, या तो ऐप कर रहा है, हेलो बोल दे, हेलो बोल दे, बोली इसके ड्रामे देखो क्या कर रही है, बैठ गया इसे ना रात में मैंने वहां सुसु कराई थी, मैंने सोचा ठंड में बाहर क्यों निकाल लूं, तो वहीं बैठ बैठ के जानबूझ के सुस कर और देखो डायपर पहन रखा, और ये ना इसे एक शौक है सबके चप्पल जूते पहनने का ट्राई करना ना, आरुष के क्रॉक्स पहन लिया, पता नहीं कहाँ जाएगी, ये देखो, हाँ उसके येलो क्रॉक्स भी पहनना है वहाँ।